आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका भी फोन पे से आप दूसरे के पास आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन गलती से नंबर अकाउंट नंबर मिस्टेक होने की वजह से, या आप मतलब कुछ भी कह सकते हो उसके वजह से, या आप जिनके पास पैसे भेज रहे थे उन्हीं वही अकाउंट नंबर आपका गलत दे दिए हैं, या आप ही से मिस्टेक हो गया और दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो गाइज, कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं, कैसे वो आपका बैंक अकाउंट में पैसा आएगा या नहीं आएगा, तो गाइज आज के इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट बात करते हो और स्टेप बाय स्टेप देखते हो, तो गाइस जो आप बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे थे आप अपने बैंक अकाउंट में, लेकिन आपका गलती से दूसरे के बैंक अकाउंट का नंबर डाल दिए हैं और उनके बैंक अकाउंट के नंबर में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे या हो गया है, तो गाइस वो आएगा या नहीं आएगा। तो गाइस इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट वॉच करते हो तो मैं आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया हूं कि कैसे अगर आपका पैसा गलत अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर हो गया है तो कैसे आप अपने अकाउंट नंबर पर मंगवा सकते हो, जो आपका कटा हुआ है, जहां से जो भी बैंक अकाउंट में पैसा कटा हुआ है उसी अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई इशू के। तो गाइज इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना होगा। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो गाइज यहाँ पे मैं हिस्ट्री पे क्लिक किया और गाइज मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा 1500 रुपया मैं अपना भेज रहा था, मतलब अपने दूसरे फ्रेंड के अकाउंट में, बट यहाँ पे पैसा चला गया है गलत। यहाँ पे नाम तो सही हुआ है, सब चीज डाला हूं, बट अकाउंट नंबर गलत होने की वजह से ये दूसरे के बैंक अकाउंट में मेरा पैसा यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसफर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे बैंक अकाउंट से क्रेडिट, जैसे कि डेबिट हो गया, मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया, दूसरे में क्रेडिट हो गया। तो ये कैसे आखिर आएगा, 1500 रुपया आएगा या नहीं आएगा, तो आएगा भाई आज की इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप करके दिखाया हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो 1500 रुपया हो गया है, कट हो गया है। तो सबसे पहले तो फोन पे से आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट करना है, यानी कि सपोर्ट करना है। उसके लिए गाइज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फोन पे, यहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट फोन पे सपोर्ट, यानी कि कॉन्टेक्ट करना है फोन पे सपोर्ट से। तो गाइज आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली से आपको कॉन्टेक्ट फोन पे सपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। और गाइज जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो गाइज यहाँ पे कुछ आपके सामने आते हैं, देखने के लिए मिल जाता है आपका मोबाइल नंबर आता है, बैंक अकाउंट नंबर आता है, उसके बाद हैज बैंक एक्सेप्टेड पेमेंट, 1500 रुपया आपका ट्रांसफर हो गए हैं। प्लीज आस्क द पूरा ए टू जेड बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, नो यू हैव रीच टू देयर अकाउंट, उसके बाद डू यू हेल्प विद दिस, तो गाइज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है आई सेंड मनी टू द रॉन्ग अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी आ गया। उसके बाद अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, आपका प्रॉब्लम क्या हुआ है, या आप गलत अकाउंट पे भेज दिए हो, या आप मतलब क्रेडिट नहीं हुआ है जिसके बैंक में भेजना चाहते थे, या आई वॉन्ट टू रिपोर्ट फ्रॉड ऑन द पेमेंट, फ्रॉड आपका हो गया है, या कैशबैक से रिलेटेड चाहिए, बट हम लोग को इन सब सारे से ऑप्शन से मतलब नहीं है। हम लोग को पैसे दूसरे के अकाउंट में, यानी कि गलती से नंबर मिस्टेक की वजह से फोनपे से दूसरे के अकाउंट में पैसे चले गए हैं, यानी कि जो मैं अकाउंट में भेजना चाहता था उस पर नहीं हुआ है। तो गाइज आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज मैं इस पर सिलेक्ट करूंगा फर्स्ट वाले ऑप्शन को, तो कैसे चैट करके बात करना है, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ समय तक आपको वेट करना है। और गाइज वेट करते हो तो फर्स्ट में आ गया आपका आई एम सॉरी हियर डेट, इतना नंबर आपका है, अनफॉर्चुनेटली बैंक्स डोंट नॉट अलाउ टू अस, रुक जाओ पहले पूरा देख लेता हूँ, देखो इतना सारा आ गया आपको, काला चीटा पढ़ने का मतलब कि जो है वो जेन्युइन है। तो गाइस चलो पढ़ लेता हूँ सारा, पढ़ के आपको एग्जैक्ट सुना देता हूँ। उसके बाद वी रिक्वेस्ट यू टू विजिट द नियरेस्ट ब्रांच ऑफ योर बैंक अकाउंट, इसका कहने का मतलब है कि आपको करना क्या है, जो आपका नियरेस्ट बैंक अकाउंट का जो ब्रांच है वहां पे आपको विजिट करना है। उसके बाद वहां पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो रॉन्ग क्रेडिट चार्ज बैक विद द यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, आपका यहाँ पे नंबर वगैरह दिखा दिया, यानी कि उनसे बोलो कि हाँ मतलब कि मैं गलत बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया हूँ, उनके पास जाकर के रिपोर्ट लिखाओ, उनके बारे में इस सब चार्ज चीज के बारे में बताओ। उसके बाद नो मोर अबाउट ट्रांसफर डन एंड एक्सेप्ट रॉन्ग ये आइटम, और यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ डिड आई, यहाँ पे देख सकते हो UTRN नंबर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे आपको देखने के लिए वी हैव द इन्फॉर्म वाज, यहाँ पे हेल्पफुल कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और ये आपको दिखाना है जा करके उनके पास, ये चीज आपको टिकट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, वी हैव क्रेडिटेड टिकट, तो ये आपका टिकट आपको देखने के लिए 24 आवर्स के अंदर ही आपको मिल जाता है। ये जो टिकट होता है ये आप यहाँ पे व्यू टिकट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ समय तक वेट करोगे तो गाइज यहाँ पे मैं वेट करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आपका देखने के लिए मिल जाता है टिकट ID, जो कि 1500 का आपको यहाँ पे रॉन्ग ट्रांजेक्शन हुआ है, तो आपके यहाँ पे देख सकते हो रिसोल्यूशन गिवन, यानी कि सोल्यूशन हो भी सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद बैक करूँ मैं, बैक करने के बाद गाइज मैं यहाँ पे आता हूँ, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो डू यू हैव नीड मोर हेल्प, तो गाइज यहाँ पे अगर और आपको चाहिए तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हो, यानी कि अगर आप व्यू टिकट आपका आ जाता है तो 24 आवर्स के अंदर ये आपको कंप्लेंट डाल देना है, अगर हो सकता है तो फोन पे के थ्रू उसी समय आपको 24 आवर्स के अंदर अगर अप्लाई कर दोगे, अगर आप व्यू टिकट कर देते हो तो आपका व्यू टिकट जो टिकट आईडी होता है वो मिल जाएगा, तो 24 आवर्स के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। अगर आपका 24 आवर्स के अंदर अगर पैसे नहीं आता है, हाँ एक और बात, आपको 24 आवर्स के
अंदर ही आपको कंप्लेन डायल करना है यहाँ पे फोन पे में कॉन्टेक्ट सपोर्ट में आपको डालना है। अगर आप 24 आवर्स के अंदर अगर आप जाते हो अगर नहीं आता है पैसे तो आपको क्या करना है, आपके जो नियरेस्ट बैंक अकाउंट है वहां पे जाना है और वहां पे जाओगे तो गाइस वहां से आपको पता चल जाएगी कैसे और किस प्रकार से वो सारा चीज आपको बैंक मैनेजर से जाकर के मिल जाना है, वो आपका पैसा आपको वापस आ जाएगा। लेकिन हाँ 24 आवर के यानी कि एक वीक के अंदर ही आपको जाकर के आपको बैंक मैनेजर से आपको मिल जाना है। तो गाइस आपको इस तरीके से अगर आप करोगे तो जो आपका पैसे ट्रांसफर रहेंगे दूसरे बैंक अकाउंट में यानी कि रॉन्ग अकाउंट पे तो वो आपका आसानी से और इजी वे में आपके अपने अकाउंट पे आ जाएगा। आई होप कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होंगे और स्टेप बाय स्टेप देखे होंगे तो आपको सारा कुछ प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपको कोई भी डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम हो कॉमेंट सेक्शन में या मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ये इंस्टाग्राम पे आकर के बातचीत कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइज मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।